Hello dear student, welcome in the class of biology. In preview lecture we are discussing about chapter number 14 natural resources and our preview topic is air pollution. Now today's class we are discussing about water. Okay, if we talk about water, ocean, river, stream, lake, pond, pools, polar ice caps, water vapors etc. कलेक्टिंग फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में ये सारी चीजें पाई जाती है जहां जहां पानी देखने को मिलता है. ओशियन हुआ, रिवर हुआ, स्ट्रीम हुए, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, पुल हुए, है ना, वाटर वेपर की फॉर्म में. मतलब हाइड्रोस्फीयर कंप्रेस अ वाटर विच इज इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर प्रेस्टीज एज ए लिक्विड अबव देन 0 डिग्री एंड बिलो देन 100 डिग्री. ठीक है, वाटर की अगर बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री कम से कम और अधिक से अधिक 100 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है ना. मतलब कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है, 100 डिग्री सेल्सियस. अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन विच कंटेन 97.5% टोटल वाटर. मतलब अगर हम बात करें अर्थ पे तो ओशियन जो होते हैं वो कितना, अर्थ का कितना पार्ट, 97.5% वाटर को क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं. इसके अलावा लैंड कितने जगह, कितना पानी कंटेन किए हुए होती है, वो होती है 2.5%, और यही वाटर हमारे लिए यूजेबल वाटर होता है. मेजर पार्ट जो होता है वो यही होता है और यही पानी हम ट्यूबवेल्स और इन सब के फॉर्म में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिमेनिंग वाटर होता है, सपोज टोटल लाइफ, इट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, है ना. और मोर देन 90% फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो भी 2.5 जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर का जो 90% वाटर होता है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में देखने को मिलता है. ग्राउंड वाटर मतलब ट्यूबवेल्स, वेल्स, है ना, इनके फॉर्म में देखने को मिलता है. बाकी 10% जो होता है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे रिवर्स, डैम्स, लेक्स, पॉन्ड, ये सारी चीजें आ जाती है. टेरेस्ट्रियल लाइफ जो होती है, टेरेस्ट्रियल अर्थ के ऊपर लाइफ, उनके लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. विदाउट वाटर क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. जनरली अगर हम वाटर की बात करते हैं तो अर्थ पे अगर वाटर एग्जिस्ट करता है जब भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल है. अगर हम बात करें तो वाटर की 3 स्टेज देखने को मिलती है. कौन कौन सी 3 स्टेज होती है, जनरली अगर हम बात करते हैं 3 स्टेजेस की, तो इसकी 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है. सॉलिड दैट मीन्स आइस, लिक्विड दैट मीन्स वाटर, है ना, गैसियस दैट मीन्स वाटर वेपर्स के फॉर्म में, है ना. ये कुछ स्टेजेस तो होती हैं वाटर की देखने को मिलती हैं. लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो वाटर के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, है ना. हम इससे बहुत सारी एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी एक्टिविटी वाटर के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे हमको पीने के लिए चाहिए पानी, हमारे यूटेंसिल्स, क्लोथ, इन सबको, सीवर डिस्पोजल, इरिगेशन, इन सब और बहुत सारे अदर पर्पस होते हैं जिसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होती हैं, है ना, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं उनको करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है. मतलब वो सारी प्रोसेसेस भी किसके थ्रू देखने को मिलती है, वाटर के थ्रू देखने को मिलती है. इसके अलावा वाटर जो होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है. इसके अलावा कुछ जो लिविंग बींग्स, जैसे जो वाटर एनिमल होते हैं, वो भी कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वाटर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं. अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर एनिमल का सर्वाइव करना भी नेचर में पॉसिबल नहीं होगा. हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की ग्रोथ और इन सबको भी मेंटेन
कंटेन करने का काम कौन करता है? वाटर ही करता है ना। तो वाटर क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर हमारी लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर दैट मीन जो अर्थ सरफेस जो होती है उससे लो लेवल पे जो देखने को मिलता है उसे बोला जाता है ग्राउंड वाटर। When rainfall, some water lost as a runoff into the drains, this water reaches the river, sea, some of it give lost through the evaporation, remaining water percolated in the ground, therefore the pore between the soil particles is termed ground water. क्या बोला? जब पानी गिरता है तो पानी के समय जैसे ट्रेन चलती है इसी तरीके से पानी भी बह के निकल जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? रिवर में जाता है, सी में जाता है। और बचा हुआ पानी जो होता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेशन के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। बचा हुआ पानी पैराकुलेट होके मतलब रिस के कहाँ पे सॉइल के पार्टिकल के थ्रू अंदर चला जाता है और उसे ही हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर को भी कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहला है कैपिलरी वाटर, इसके बाद दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज कंबाइंड वाटर, कंबाइंड वाटर, इसके बाद बात करें तो ग्रेविटेशनल वाटर, और इसके बाद अगर हम बात करें तो अवेलेबल वाटर। दैट मीन्स कि क्या होता है? सबसे पहले हम कैपिलरी वाटर के बारे में बात करेंगे। कैपिलरी वाटर मतलब क्या होता है? सॉइल के बीच में जो छोटे छोटे कैपिलरी पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे सॉइल है, सॉइल मॉलिक्यूल है ना, इनके बीच में क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज के फॉर्म में क्या होता है, पानी जो होता है वो भरा हुआ रहता है। इस वाटर को बोला जाता है कैपिलरी वाटर। अगर हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो ये जो होता है थिनी एक फिल्म के रूप में सॉइल पार्टिकल के बीच में अरेंज हो जाता है और इस वाटर को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कंबाइंड वाटर जो केमिकल बॉन्डिंग सॉइल पार्टिकल में तो है पर केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है कंबाइंड वाटर। और जो पानी अर्थ की बहुत ज्यादा गहराई में दैट मीन नियर टू ग्रेविटी होता है उसको बोला जाता है ग्रेविटी वाटर, है ना। और ये जो होता है अवेलेबल वाटर वो होता है प्लांट जो होते हैं जिसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं सॉइल से इजिली, उस वाटर को बोला जाता है अवेलेबल वाटर, जिसको हम क्या कर पाते हैं, इजिली यूज कर पाते हैं। इस तरीके से ग्राउंड वाटर को, ग्राउंडेड वाटर को कुछ क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। नाउ हम डिस्कस करेंगे वाटर की। जब हम बात करते हैं तो वाटर की बात करते समय एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप सबने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ओके, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन होती है रेन वाटर को क्या करती है, हार्वेस्ट करने की मतलब उसको बचाने की कोशिश करती है और वो सारे वाटर को क्या करती है, पैराकुलेशन करने में हेल्प करती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जनरली जो हमारी हाउसेस होते हैं हाउसेस की छत पे रूफ में, है ना, वाटर गिरता है, इस वाटर से क्या कर दिया जाता है, छत से क्या कर दिया जाता है, पाइपलाइन को कहाँ उतार दिया जाता है, अंडर अर्थ के अंडर उतार दिया जाता है। तो जितना भी वाटर होता है यहाँ पे सीमेंट के कंक्रीट के बने हुए टैंक बनाए जाते हैं, जितना भी वाटर होता है अर्थ का वो वेस्ट ना होते हुए कहाँ पे चले जाते हैं, डायरेक्ट अर्थ के अंदर चला जाता है। और अर्थ के अंदर ये क्या होता है, धीरे धीरे रिस्क है और क्या करता है, वाटर लेवल को ग्राउंड लेवल से ये लो करा जाता है और जो वाटर लेवल होता है उसको क्या करते हैं, ये बचाने का काम करते हैं। दैट मीन्स वाटर को जो एक्सेस अमाउंट वाटर हम बोल रहे थे ना फ्लो होके
होके खत्म हो जाता है, उसको ये क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि सभी घरों पे एक नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी होते हैं, वो लोग एक लॉ बनाते हैं जिसके अंदर आप जब साइन करते हैं अपने घर को बनाने के लिए, जब आप परमिशन लेते हैं, तो उस समय वो बोलते हैं कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी है, ताकि हम वाटर की जो हम कमी झेल रहे हैं उससे हम क्या कर पाए, बच पाए। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में उन्होंने ऐड किया है। और जब भी काफी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इससे हम क्या बच सकते हैं, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर से हम बच सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या एडवांटेज है, रिड्यूस द रन ऑफ लॉस वाटर रेन वाटर, वही जो रेन वाटर होता है वो एक्सेस अमाउंट में फ्लो होके रुकने से बच जाता है, इससे बाढ़ों से बचाया जा सकता है, फ्लड्स जो होते हैं उनसे रुका जाता है। जो समर सीजन्स होते हैं उस समय पानी की कमी से, ड्राइनेस से बचा जा सकता है ना। रेन वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल्स को रोका, मेंटेन किया जा सकता है। सॉइल इरोजन से भी क्या हो सकता है, इसके थ्रू बचा जा सकता है। ये सारे क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। नाउ अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टॉपिक एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। ओके सो स्टूडेंट, आई होप सो, वाटर क्यों हमारे लिए जरूरी है, वाटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसको हार्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं रेन वाटर को, वो सारी चीजें आप समझ चुके होंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर पॉल्यूशन। तब तक आप अपनी बुक को पढ़ते रहें, अपने वीडियोस को प्रॉपर देखते रहें और अपनी कॉपीज को बनाते रहें और स्कूल में सेंड करते रहें चेक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।